आज इनके लिए स्पेशल सरप्राइज भी है। सरप्राइज पता क्या है? क्या बताऊँ मैं आपको? कोई प्रैंक नहीं, प्रैंक नहीं, वाकई में सरप्राइज है। प्रैंक नहीं है, सच सच बता रहा हूँ। आपको पहले खाना खा लें आराम से। उस पहले मुझे बताएं, मुझे खाना नहीं खाया के लिए सरप्राइज। ये कोई प्रैंक होगा, खोल के तो देखो। हाँ, कॉकरोच है आपकी शक्ल का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम जा रहे थे आउटिंग पे, लेकिन मैंने आज लाइबा के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज सोचा हुआ है। और ये कि हम अभी आउटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन लाइबा को पता नहीं है कि भाई मैंने क्या सरप्राइज सोचा हुआ है इनके लिए। और अभी हम जाएंगे गोल्ड की रिंग लेने लाइबा के लिए, और उसको अच्छे से पैक करेंगे। उसके बाद जो है लाइबा को मैं आउटिंग पे लेके जाऊंगा, वहां पे खाना शाना खाएंगे, तो उनको सरप्राइज दूंगा। और लाइबा भी रेडी हो रही है, तकरीबन उन्हें आधा घंटा लग जाना है। तो मैंने लाइबा को बोला, यार मैं एक जरा काम से जा रहा हूँ, तो मैं तकरीबन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में आ जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ATM जाएंगे, वहां से हम पैसे निकलवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रिंग लेने। सबसे मेन चीज लाइबा की आज रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ना लाइबा नाराज है, बस सिंपल हम खाना खाने जा रहे हैं बाहर। और मैंने क्योंकि काफी देर से प्लान बनाया हुआ था कि लाइबा को मैंने रिंग गिफ्ट देनी है, तो आप लोगों के साथ तो भाई लाजमी हम हर चीज शेयर करते हैं। तो बस अभी मैं रिंग लेने जाता हूँ। हम ATM आ गए हैं, ATM से पहले पैसे निकलवा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जी अब हम आ गए हैं नुमान भाई के पास अपनी रिंग लेने। नुमान भाई क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा जी, चलें जी अब आप मुझे रिंग दे दें मेरी। ये आपकी रिंग है? अच्छा जी, वाह जी वाह। अगर आप डब्बी कहेंगे तो मैं चेंज वगैरह कर दूंगा। डब्बी वैसे आपके पास इस तरह की हो? कोई लाइटिंग वाली डब्बी दे दूं आपको? लाइटिंग वाली, लाइट वाली, जिसके अंदर लाइट चले। दिखाएं जरा। वाह भाई वाह, चले इस ये ले दें आप हमें। और ये है कि साइज का था, ये साइज हो गया ठीक है। हाँ, आपको तो पता है कितनी मुश्किल से साइज मिलता है, लाइबा की उंगलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं बस। हाँ, तो आप सबको कैसी रिंग लगी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। आप बस लाइबा को पसंद आ जाए। और ये है कि अब हम नुमान भाई को पैसे देते हैं। और ये लें नुमान भाई, ये आप गिने और जो बच रहे हैं वो बकाया दे दें। ये सारे गिननी लग रहे ठीक है, वो देखें ठीक है रख रही बकाया तो दो। अच्छा जी, नुमान भाई ने कहा कि यार वैसे इन्होंने गोल्डन दी थी हमें डब्बी, लेकिन उन्होंने कहा इसकी ज्यादा ग्रेस निकल रही है, तो आप ये वाली ले लो। और नुमान भाई का वाकई में म्यार इतना अच्छा है, मतलब सोने का, और हम सारी चीजें यहीं से लेते हैं। ठीक है नुमान भाई, आप जरा अपनी शॉप का जो है ना एड्रेस तो बताएं। मेरी शॉप भाई है टाउनशिप मार्केट, ठीक है, ये पकौड़े वाले से थोड़े से आगे शॉप है, आसिफ ज्वेलर्स के नाम से। जी जी, किसी से भी पूछेंगे यहाँ पे जो है ना पता लग ही जाएगा। वैसे हाँ जी, जिस मर्जी से आप पूछें। हाँ माशाल्लाह से काफी पुराने बैठे हैं वाले साहब को, जो मेरे 35 साल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी शुरू से दुकान है, हम भी आते रहते हैं आपको। हाँ, हमें तो, हम तो आपके जो है फैन है, बल्कि आपने जितना अच्छा हमें देखा ना, कितनी प्यारी अंगूठी आपने बना के दी है माशाल्लाह से। तो बस सारों ने यहाँ पे आना है, ठीक है, जो ये वीडियो देख के आएगा उसे स्पेशल डिस्काउंट भी देना नुमान भाई, ठीक है। जो आपके आपकी वीडियो देख के मेरे पास आएगा, जो आपके रेफरेंस से आएगा, मैं इंशाल्लाह उसको बिल्कुल डिस्काउंट दूंगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका भी। तो ये के फिर मुलाकात होती है आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी भाई, मैं अपना जरूरी काम करके आ गया, और मैं इबाद के लिए लेके आया हूँ 2 सूट। हाँ जी, और ये देखो आप इबाद के लिए मैं सूट लेके आया हूँ। आप आज कैसे चले गए अकेले मार्केट? बस एक काम से गया था। सूट तो अच्छे लाए। अरे वाह, तो आप रेडी हैं? चलें फिर हम। वाह, अच्छे मम्मा देखे, जबरदस्त। और देख लो एक और भी, इब्बू जनाबे वाला सो रहे हैं, दिखाओ जरा। हाँ, इधर दिखाओ जरा कैमरे में, ये जो है ना, ये वाला। हाँ, ये आप लग रही हो। आप चलो जी, अब उठो यार, फिर चलें, उठो। इब्बू जब कराची जाएगा ना तब पहने। हाँ, हम कराची आ रहे हैं, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, हम कराची आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे और महफिल भी पढ़ेंगे। चलो यार, उठो यार। यार आप इतनी देर लगा के आए, इतनी दूर कहाँ हमने? आधा घंटा लगा है ज्यादा से ज्यादा। आप जब कह के गए थे ना कि लाइबा तैयार हो जाओ, तो मैं रेडी होते बैठी हुई। जबकि बस अब जल्दी से उठ जाओ यार। चलो चलो, आ जाओ। अब हम आ गए हैं बट कढ़ाई, तो लाइबा आप देखो आपने क्या खाना है। कढ़ाई कढ़ाई मंगवा लें।
चलो जी देख लो आप जो कौन सी मानी, चिकन बीफ मटन जो भी देख लो। चलो देख लो, ऑर्डर दे दिया है। आज इनके लिए स्पेशल सरप्राइज भी है। सरप्राइज पता है क्या है? बताऊँ मैं आपको? नहीं प्रैंक नहीं, बाकी में सरप्राइज है। प्रैंक नहीं है, सच सच बता रहा हूँ आपको। पहले खाना खा लें आराम से। उस पहले मुझे खाना नहीं खाया। अच्छा, आंखें बंद करें, आप खोलो। प्रैंक कोई चक्कर नहीं, मैंने खोली भी थी। प्लेटें आ चुकी हैं और यार वाकई में सरप्राइज है। आप मजाक समझ रही हो, खाने से पहले दे रहे क्योंकि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा, ये लो यार आपके लिए सरप्राइज। ये कोई प्रैंक होगा, खोल के तो देखो। कॉकरोच? हाँ कॉकरोच है आपकी शक्ल का, खोल के तो देखो। हाँ क्या है? बस ये पैकिंग इतनी गंदी है इसकी। ये क्या? देखो जरा, क्या चीज़ है? एक बहुत ही अच्छा जो है ना गिफ्ट है आपके लिए। देखो कैसे लगा? तो है अच्छी है। चलो ये इसको इसको जो है ना अपने बैग में डाल लो डब्बे को, वो कहेंगे गंद मचा दिया। तो बाकी में अच्छी लगी है आपको? बहुत अच्छी लगी यार, सच बताओ। चलें जी, इनको तो भाई मैंने गिफ्ट दे दिया और मैंने कोई इनको इतना लंबा चौड़ा प्रैंक नहीं किया, ठीक है? और ना ही मैंने कहा कि ये आप बनाएंगे, मैं बनाऊँगा आपको अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये कौन से साइज आपकी अंगूठी लेके गया था ये? अच्छा? तब जाके पता चला आपका जितना मुश्किल साइज है ना शायद ही किसी का। चलो अभी ये अच्छी है, प्यारी। लो कैसी लग रही है? बहुत थैंक यू सो मच, ज़्यादा अच्छी लग रही है माशाल्लाह। एक तो पब्लिक प्लेस में ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ लेकिन ये भी रख दो अब। इधर बात तो सुनिए, इधर लोग समझ रहे होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिंग बना रहे हैं दूसरे। हाँ लेकिन आप सबको तो पता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? और ये रखो आप अंदर, और ये कि बस अल्लाह पाक जो है मुझे अच्छे से जो है ना रिज़्क अता करता रहे आपके नसीब से, और मैं आपको ऐसे तरह गिफ्ट देता रहूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं आप सबको क्या बताऊँ, अल्लाह पाक अहमद के मेरे हस्बैंड के रोज़गार में बेहद बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक ऐसे ही आपको तौफीक अता फरमाए कि आप इसी तरीके के गिफ्ट मुझे देते रहे। बल्कि जितने भी वीडियोस देखने वाले हैं जो मैरिड हैं, अल्लाह उन सबको भी तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी वाइफ के लिए इस तरह के गिफ्ट देते रहें और उन्हें देते रहें, क्योंकि इससे आपके रोज़गार में बरकत होगा अगर आपकी वाइफ खुश होएंगी तो। सुन रहे हैं आप? जब अगर बीवी खुश होती है ना तो फिर रोज़गार में बरकत होगा। भाई मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरी वाइफ खुश होगी तो अल्लाह पाक मुझे अता करेगा। और सबको मैं एक ये चीज़ बता दूँ कि जो नसीब होता है ना वो वाइफ का होता है मिसाल के तौर पर। अगर हाँ बिल्कुल यही बात है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है और जो रिस्क आता है वो वाइफ के नसीब से होता है। तो जी गाइस, आप लोगों ने सुन लिया ना कि अगर आप सब भी अपनी वाइफ को खुश करेंगे इस तरह के गिफ्ट देके तो आपके रोज़गार में होगी बरकत। तो इस चीज़ को समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है? जिस तरह से अहमद ने मुझे गिफ्ट दिया, इसी तरीके से आप भी अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया करें ताकि आपकी वाइफ खुश हो और आपके रोज़गार में बरकत रहे। मैं तो पूरी ज़िंदगी आपको इसी तरह गिफ्ट देता रहूँगा। बस शोर बहुत हो रहा है, ठीक है? तो बस आपको जितनी आवाज़ आ रही है हम जितनी मतलब आपसे बात कर रहे हैं, अब हम कुछ चेक के तो बता नहीं सकते आपको। पता है क्या, बात कर भी नहीं पा रहे क्योंकि ना हम जिस तरीके से बोल रहे हैं ना इस तरीके से सारे हमें ही देखे जा रहे हैं कि ये लोग क्या हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग हमें ना यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं, है ना? उनको क्या पता हमारा बेटा भी है? हाँ बिल्कुल, किसी को पता नहीं कि हमारा एक बेटा भी है। लोग कि हम लोग जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और जो है ना जब अहमद रिंग पहना रहे थे तो इतनी मशकूक निगाहों से लोग हमें देखते थे। तो
मुझे भूख लग रही है। अब जल्दी से हमारी कढ़ाई आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे घर, फिर उसके बाद हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। आप हमारे साथ हैं और देखते हैं। यार सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है ना इंतजार करना है, मतलब इंतजार बंदा करता है ना तो इतना जो है ना तप चढ़ती है कि बस इंतजार करते रहो इंतजार करते रहो। जब भूख लगी ज्यादा लग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी देर से मैं तो आपका वेट कर रही थी, आपके रिंग लेने गए थे और क्या, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गए हूँ। ये देखो ना सबर का फल मीठा होता है क्या, नहीं ठीक है। तो ये है कि बस हम इंतजार करे जा रहे हैं काफ़ी देर से। फाइनली आ चुका है, हमारी कढ़ाई आ चुकी है और ये हैं जनाब वाला रोटियां। और अब लाइबा जो है ना परोस रही है इंडियन वर्ल्ड। चलो जी डालो, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है, अब खा के देखते हैं। लाइबा टेस्ट अच्छा होगा तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी आज के दिन, क्यों भाई हैं? हाँ मैं तो आज वाकई बहुत हैप्पी, बस करम है अल्लाह पाक का, आज आप हैप्पी हो काफ़ी है। अब ये है कि और ले लेंगे, और हम तो एक ही प्लेट में खाते हैं भाई, सीधी बात है। अच्छा अब पहले आप चेक करो खा के और टेस्ट बताओ कैसे। वाह भाई वाह, ओके बिस्मिल्लाह। 10 में से 7। अच्छा चलो तो मैं देखता हूँ मुझे कैसी लगती है। अच्छी 7 है ना। खाना खा के आपसे मिलते हैं, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया और लाइबा जनाब आला ये हड्डी खा रही है। लाइबा कहती हैं कि हड्डी खाते बड़ा जो है ना मुश्किल काम है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे इनको पसंद बहुत है। अच्छा जी हम अब बिल दे देते हैं, बिल भी आया हुआ है और ये हमारा बिल बन गया। बिल देके फिर मैं आपसे घर जाके मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब हम घर आ गए हैं और अब बस हम व्लॉग ख़त्म करेंगे। सिर्फ एक बात करूँगा मैं आपसे कि देखें हमारा जो चैनल है ना वो कभी मोनेटाइज ऑन होती है कभी ऑफ हो जाती है, इस वजह से जो है ना इतना कोई हमें उधर से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी मोनेटाइज ऑन है हमारा चैनल की जो हमारा अकाउंट है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं व्लॉग देख रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, अभी कभी हम इतने भी स्टेबल नहीं हुए, बस अभी तो समझें स्ट्रगल ही कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी स्टार्ट है समझें एक तरीके से। और हम कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल से हैं, ठीक है। बिल्कुल बस आप लोगों की जो है मोहब्बतें ही हमें जो है इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगी। और ये है कि आप लोग सपोर्ट किया करें और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर और जो है ना दूसरे लोगों से शेयर भी किया करें कि जो है ना यार ये व्लॉग अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, और ये देखें। और बाकी दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक से यही दुआ करूंगा कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उनको भी अल्लाह पाक तौफीक दे कि वो भी अच्छे अच्छे काम करें और अपनी जो है वाइफ को खुश रखें और पूरी फैमिली खुश रहे, ठीक है। तो ये कहें दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। और आपको रिंग अच्छी लगी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ जी तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो आप भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।